विद प्लैटिनम है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रोलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइजेशन एक्चुअल प्रोसेस है जहां पर ये पूरा इसका काम होता है। नाउ जब पानी इसे गुजरता है वहां पर शुरू होता है इसका इलेक्ट्रोलाइजेशन, जहां पर ये पानी आपको पहले 30 साल से मुझे एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथी बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, जो जो जिसने बताया वो सब मैंने एसिडिटी के लिए किया। दो बार मैंने फुल बॉडी चेकअप किया, छाती में बहुत पेन होता था एसिडिटी की वजह से, लेकिन कहीं मेरा इलाज नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने कैंगन वाटर पीना शुरू किया तो 15 दिन में ही मुझे एसिडिटी पे रिजल्ट आया, लेकिन मेरी पूरी एसिडिटी जाने के लिए मुझे कम से कम 4-4.5 महीने का वक्त लगा। डिस्टर्ब फील करता था एसिड को लेकर के, इतना एसिड होता था कि जब सोते वक्त मेरा नाक से पानी निकल जाता था, और जो एसिडिक जो वाटर नाक से निकल जाता था वो पूरा एकदम वेरी पेनफुल। तो पानी पीने के बाद ये देखा कि मेरा एसिड तो एकदम छूट गया, और एक तो चीज़ मैंने देखा कि यूरिन में बहुत बदबू आता था, स्मेल आता था, तो फिनाइल देना पड़ता था बाथरूम में। तो आफ्टर ड्रिंकिंग द कैंगन वाटर ओनली 10 डेज, आफ्टर 10 डेज इफेक्ट कोई स्मेल नहीं और वाइट कलर यूरिन। 2013 में मेरा शुगर लगभग 550 के करीब था, मैं 3 दिन कोमा में भी था, और तब से गोलियाँ चालू हैं और बीपी भी मेरी गोली और शुगर की गोली दोनों चालू है। लेकिन एक पानी पीने के बाद में मेरा बीपी का गोली मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया, लगभग 2 महीने हो गए 4 महीने के बाद में, और शुगर का मेरा 1000 mg का टैबलेट था ग्लासी फेस करके, अभी वो सिर्फ 250 mg मैं ले रहा हूँ, और आने वाले समय में वो भी शायद बंद हो जाए। 25 साल से शुगर का प्रॉब्लम था और 16 दिन पीने से मिरेकल रिजल्ट आया, और उसके बाद में मैं जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर पूछा कि क्या खाते हो क्या पीते हो जिससे ऐसा हो गया। मैं बोला पानी पीने से हो गया, कैंगन वाटर पीने से। बोला मैं मान नहीं सकता। मैं बोला सर एक एग्जांपल है कि आप पानी पीजिए और पानी पीने के बाद देखिए, या आपका कोई पेशेंट है तो भेज दीजिए। वो किडनी इन्फेक्शन वाले पेशेंट को मेरे पास भेजा, और जो यूरिन से कंट्रोल हट गया था उसका 16 दिन में वो बोलता है मैं फाइन हो गया सर, ऐसा करके। 4-5 साल के बाद में या तो आपको डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित था, लेकिन कहीं पे मैंने नेट पे सर्च किया और जहाँ पे मुझे सुदेश मलिक सर का एक वीडियो मिला जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से हमें पानी के जरिए बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है, और पानी पिया 3 महीने में मेरा क्रिएटिन 2.5 से लेकर के 1.9 हुआ, और जो ब्लड मेरा 9 HB हो गया था वो 11.9 हो गया। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी काफ़ी, तो मेरे को दिन में 2-3 डोज लेने पड़ती थी। जब से मैं कंगन वाटर का वाटर यूज़ कर रही हूँ तब से मेरे को प्रॉब्लम जो है मेरी सॉल्व हो चुकी है। छोटे वाले बेटे को अस्थमा का प्रॉब्लम था, अस्थलिन का उनको इन्हेलर चल रहा था, जो कि डॉक्टर विवेकन पिल्ले जी हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो इनका इलाज कर रहे थे, और ये थोड़ा सा भी आगे दौड़ते थे तो उनका श्वास जो है वो पूरा फूल जाता था और खेल नहीं पाते थे, थोड़ा सा भी रोता था तो इनको खांसी आ जाता था। तो बहुत ज़्यादा समस्या थी अस्थमा को लेकर, सांस को लेकर, और अस्थलिन का इन्हेलर और टैबलेट दोनों चल रहा था। सो कैंगन के विदिन 15 डेज यूज़ से लगभग महीने भर के अंदर में इन्हेलर और टैबलेट जो है कि इनका बंद हो चुका है आज की डेट में, और अभी स्वस्थ है सर, खेलता भी और फिट है भी। 5 दिन के बाद से माँ को रिलीफ होना शुरू हो गया, और 15 दिन बीतते बीतते जो हमारी माँ 10 कदम चलने में भी थक जाती थी, झुक जाती थी, बैठना पड़ता था उनको, घुटना पकड़ लेती थी, 15 दिन बीतते बीतते आज 1000 कदम भी चलती है तो उनको बैठना नहीं पड़ता है, घुटना पकड़ना नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने क्या बैक्टीरिया वाला एक सैंपल लिया और यहाँ पर माइक्रोस्कोप में डाला है, तो बैक्टीरिया यहाँ पर डाला है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत सारा चल रहा है, सब जिंदा है, सब मूव कर रहे हैं सारे बैक्टीरिया। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि 2.5 पानी है वो यहाँ से कंटेनर से निकाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा एक बूंद हम ये बैक्टीरिया वाले सैंपल पर डाल रहे हैं, और इमिडिएटली आप देखिए, आप स्क्रीन देखेंगे अभी कि पूरा सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए, देखिए इंस्टेंटली सब बैक्टीरिया मर गए, एंड ये है करामत 2.5 का जो इंस्टेंटली बैक्टीरिया को मार देता है। पहले मेरा ये स्किन जो था ये काला काला था, यहाँ काला था, यहाँ ये सब काला था, और करीब 25 तारीख से मैं पानी पी रहा हूँ और उस पानी से नहा भी रहा हूँ, और मेरा ये पोजीशन करीब करीब ख़त्म है, थोड़ा सा स्लाइडिंग अब रह गया है। हाथ में पिछले 1.5 साल से ड्राई एग्जिमा हुआ है, मैं पिछले 20 दिनों से
कंगन वाटर 2.5 PH का स्प्रे मार रहा हूँ। दिन में 10 से 15 बार स्प्रे मारता हूँ। अभी मुझे 30% इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हाथ में। ऐसे खा लेते इधर का भी लोग मतलब यहाँ भी ठीक होगा। अभी मैं स्प्रे भी मारता हूँ, गाय का पानी से मारता हूँ, स्टाइल से पानी मारा तो ये ऐसे मैं बात करते बैठे मारते रहता हूँ। हाँ स्प्रे भी किया है डॉक्टर ने तो बोले तुम दो चार टाइम ऐसे मारते रहो दिन में 10 बार जितना मारो उतना मारते रहो बोले। हाँ बहुत अच्छा पानी तो इससे फिर फायदा मिला आपको? हाँ बहुत फायदा मिला है। तो दोस्तों आपने देखा हर बार जब आप कैंगन पानी पीते हो तो 5 चीजें होती है। एक तो जैसे आपने देखा कि हिरोमी सिन्हा जी ने बताया कि आपकी आंतें तक साफ होती है। दूसरा आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है। तीसरा आपका शरीर क्षारीय बनता है। चौथा आपके शरीर के में न्यूट्रिशन अंदर अच्छे से घुस पाता है, आपकी हाइड्रेशन बेटर होती है। और पांचवा आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, यानी कि आपके कोशिकाओं से जहर बाहर निकलता है। तो ये जब 5 चीजें एक साथ जब काम करेगी तो आपकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहती है। आप लोग ये करो, पहले तो देखो हम लोग जितना भोजन करते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, थोड़ा हमारे अल्कलाइन भोजन हमको करना ज़रूरी है। अल्कलाइन और एसिडिक क्या क्या है इस पर भी ध्यान देना। हाँ जितना अनाज खाते हैं वो सब एसिडिक हो जाता है, सब्जी जो खाते हैं वो अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन पानी पीना चाहिए आपको रोज, हमारे जो रक्त है वो अल्कलाइन होएगा, ब्लड अल्कलाइन होता है तो ब्लड की अच्छा सर्कुलेशन होता है। फिर मगज का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर में दर्द, ये सब आप देखोगे अपने आप दूर हो।